अस्सलाम वालेकुम, अपने चैनल जुनैरा फूड डायरीज़ के साथ हाज़िर हूँ और अपने उन तमाम सब्सक्राइबर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, और ऐसे व्यूवर्स जो मेरे चैनल को देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स और लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरी कोई भी रेसिपी पसंद आती है तो आपकी जो कमेंट्स हैं वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। आज की जो रेसिपी है वो मैं बना रही हूँ खिचड़ा, जो कि बहुत इजी है और आसान है, और ये सब चीज़ें जो है वो आपके घर में मौजूद होती हैं जितने भी मसाला जात हैं। तो मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ कर रही हूँ। ये मैंने मूंग की दाल ली है, माश की दाल है, चने की दाल, साबत मसर हैं, इसके अलावा चावल और लाल मसूर, जो जिसको कोई मसूर की दाल कहते हैं, लाल ऑरेंज, कोई इसको लाल कहते हैं कोई ऑरेंज कहता है। ये जितनी भी दालें हैं ये सब मैंने 50 ग्राम्स ली हैं। इनको मैंने अच्छी तरह पहले इनको साफ़ किया, इसके बाद मैंने इसको वॉश किया, फिर इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो दिया था, उसके बाद अब मैंने इनका पानी ड्रेन किया है। इसके अलावा ये गंदम है जो कि मैंने आधा पाव के करीब यानी 125 ग्राम के करीब लिया है। इसके अलावा जो है वो मैंने नमक लिया है जो कि आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, लेकिन मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है। लाल मिर्च का पाउडर है, इसको मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। गरम मसाला जो है वो तकरीबन 1 टीस्पून के करीब है, और इसके अलावा ज़ीरा साबुत सफ़ेद वाला जो है वो मैंने 1 टीस्पून के करीब लिया है, और इसी तरह मैंने 1 टीस्पून जो है वो धनिया पाउडर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून है, और ऑमलेट कटिंग में जो है वो मैंने प्याज लिया है। तो हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। अच्छा, ये 1/2 कप के करीब जो है वो मैंने ऑयल लिया है। अब इसके अंदर मैंने प्याज डालें, ये हमने लाइट ब्राउन से करने हैं। अच्छा, मैं अपनी रेसिपी जो थी वो बगैर वॉइस के बना रही थी, लेकिन बहुत लोगों ने मुझे कहा, बहुत व्यूवर्स ने मुझे कहा कि आप अपनी वॉइस में जो है वो रेसिपीज़ बनाया करें। तो कुछ रेसिपीज़ जो हैं वो मैं वॉइस में बनाऊंगी और कुछ मैं बग़ैर वॉइस के बनाऊंगी। तो आज की रेसिपी जो है इसीलिए मैं जो है वो अपनी आवाज़ में बना रही हूँ। ये हल्का सा हमने इसको लाइट ब्राउन सा करना है। अब इसके अंदर हमने लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो डालना है। ये तकरीबन 1 मिनट तक जो है वो मैंने इसको भुना है। अब इसके अंदर जितने भी मसाले थे, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला और ज़ीरा, ये अब मैं एक ही साथ इसमें डाल दूँ। अच्छा, इसके अंदर मैंने एक चीज़ और ऐड करनी है, वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, वरना अगर आप ना चाहें तो ना डालें। लेकिन ये कि मैं थोड़ा सा एक जो है स्मॉल टमाटर जो है वो डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है जो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा मुझे बेटा पानी दीजिएगा, ये हल्का से जो है वो पानी जो है वो मैंने इसको अब मैं भून रही हूँ। अच्छा, ये देखें, ये मैंने मसाला जो है वो भून चुका है। अब ये टमाटर जो है वो थोड़े खड़े खड़े भी हैं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैंने इसको कुकर लगाना है, तो जब ये मैं सारे दालें इसमें डालूँगी तो वो खुद ब खुद ही जो है वो इसमें गल जाएगा। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले जो है वो मैं गंदम डाल रही हूँ। मसूर की दाल, चने की दाल, इसके अलावा माश की दाल, मूंग की दाल,
साबुत मसूर की दाल, जिसको कि काले मसर भी कहा जाता है, और चावल, इन सब चीज़ों को हमने एक ही दफ़ा में जो है वो डाल देना है। अच्छा, ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि इन चीज़ों को मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए भिगोया है। भिगोने के बाद जो है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और अब मैं इसके अंदर पानी डालूँगी तकरीबन 1 से 1.5 गिलास के करीब। बस, अच्छा जी, 10 से 15 मिनट जो है वो हमने कुकर में इसको पकाया है। ये देखें, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो गल चुकी हैं। उसके बाद मैंने इसको दूसरे में शिफ्ट कर दिया है, नॉन स्टिक में इसको। उसके बाद अब मैंने इसको थोड़ा बहुत जो ये ऐसे में, उसके लिए मैंने ये ज़ीरा लिया है। ये ज़ीरा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 1 टेबल स्पून ले लें या हाफ ले लें। उसके बाद ये लाल मिर्चें हैं, ये देखें 6, ये लाल मिर्चें और ज़ीरा, इनको हमने थोड़ा सा इनका जो कलर है वो चेंज करना है। मेरे चैनल जुनैरा फूड डायरीज़ को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी रेसिपीज़ जो हैं वो कैसी लग रही हैं। और मेरी इस रेसिपी को बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि ये सर्दियों का तोहफ़ा है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो सर्दियों में जो होता है वो लिहाफ़ों में बैठना ही पसंद करते हैं। तो आपके घर में जिस किस्म की भी दालें हों, जितनी भी दालें हों, उन सबको मिला के आप ये खिचड़ा जो है वो पका सकते हैं। ये इसके ऊपर हमने तड़का लगाया है। इसके बाद इसके ऊपर हमने ये थोड़ा सा जो है वो जुलियन कटिंग में अदरक जो है वो रखी थी काट के, वो डाली। एक हरी मिर्च जो है वो मैंने छोटी जो है वो डाली है काट के। इसके अलावा ये हरा धनिया है और चाट मसाला है, वो भी पकड़ाइएगा। ये चाट मसाला है, ये आपने अपनी मर्ज़ी से जितना आप तेज़ खाना चाहते हैं कम, तो आप ये डालिए। लीजिए जी, ये मेरा मज़ेदार सा खिचड़ा तैयार है। इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसको ट्राई कीजिएगा और फिर इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी जितनी भी रेसिपीज़ हैं उनको आप देखिए और शेयर ज़रूर कीजिए सबके साथ। इंशाल्लाह किसी और नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।